देखो, आजकल मैं ये बुक पढ़ रहा हूं, साइकोलॉजी ऑफ मनी, और ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें काफी जो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर हैं, जो अच्छे अच्छे कंपनी को सीईओ हैं, बहुत सारे लोगों ने इस बुक को पढ़ा है और इसके बारे में रिकमेंडेशन की है कि इस बुक को हर एक नौजवान को पढ़ना चाहिए। 100-150 रुपए की बुक आती है। अगर आपको वो भी नहीं लेनी तो ऑनलाइन आप इसके बारे में जो ऑनलाइन पीडीएफ होता है उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन बुक को पढ़ने का एक्सपीरियंस अलग होता है, क्योंकि ये फील होता है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं और पूरे मन से पढ़ रहे हैं और अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसको जो मैंने पढ़ा, अभी मैंने इसके 2 चैप्टर खत्म किए हैं। इसमें करीब मुझे लगता है कि 10 से 12 चैप्टर हैं, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग की है। 1 से 2 पेज पढ़े हैं, मतलब 1 से 2 चैप्टर पढ़े हैं। तो इसमें बात जो निकल के आ रही है वो ये है कि इसमें जितने भी एग्जाम्पल लिए गए हैं वो किसी ना किसी की रियल लाइफ के एग्जाम्पल है, और कहीं भी एडिटिंग नहीं की गई है। तो ये बुक ऐसे नहीं है कि मनगढ़ंत बातें या कोई फैंटेसी बातें नहीं है। यहां पर रियल लाइफ के एग्जाम्पल लिए गए हैं, और एग्जाम्पल किसके द्वारा लिए गए हैं? एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट के ऊपर लिखने वाले लेखक के द्वारा ये एग्जाम्पल किसी बड़ी बड़ी लाइफ में, या बड़ी बड़ी कंपनी, या छोटे लोग, छोटी कंपनी, उनके एग्जाम्पल लिए गए हैं कि लाइफ स्टाइल किस तरीके से उन्होंने रखी, इनका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या रहा जिसकी वजह से वो पास हुए और फेल हुए। तो इससे रियल लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता है और इससे काफी चीजें सीख सकते हैं। अभी मैंने इसको पढ़ा नहीं है, 2 चैप्टर पढ़ा है। तो यहां पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि बड़ी बड़ी डिग्री जो लेके, अगर आप फाइनेंस की बहुत बड़ी डिग्री लेते हैं, आपको मैथ बहुत अच्छी आती है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, जो पहले चैप्टर में मैंने पढ़ा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। इसका कोई तालमेल नहीं है पढ़ाई से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत छोटी छोटी जॉब करी और बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने भी लाइफ में इन्वेस्टमेंट के और पैसों को लेकर कुछ ऐसे डिसीजन लिए। तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो मेरी समझ में आई कि आप अमीर हो, गरीब हो, कम पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो ज्ञान आता है वो आपकी आंखें क्या देखती हैं अपने आसपास, और आपके दिमाग की स्टडी क्या कहती है, उसके ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाते हैं, और वहीं से वो भविष्य में जो पैसा पाते हैं, फेल या पास, वो टिका रहता है। जैसे जैसे बातें पूरी होंगी मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने इतनी बात कर दी, और इस वीडियो का मतलब क्या है आपके लिए, क्योंकि मेरा चैनल तो ऐसा है नहीं, किताबों के लिए तो है नहीं, और ये कोई सेल्स मार्केटिंग या एम्प्लॉय के लिए कोई किताब नहीं है, तो मैं इसको क्यों बता रहा हूं? देखो, कभी भी किसी भी टॉप लेवल के जो लोग हैं, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ोगे, उनकी हिस्ट्री पढ़ोगे, उनके बारे में पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि उस आदमी की जो एक्सपर्टी है, जैसे कि जॉब की तो है, लेकिन वो दूसरी तीसरी किसी और विद्या में भी, उसकी एज ए हॉबी कह लीजिए, उसको वो भी इंटरेस्ट था। कई सारी कंपनी के जो सीईओ हैं, उनको तैराकी का शौक है, उन्होंने तैराकी में कुछ सर्टिफिकेट हासिल किए हैं, कई गोल्फ अच्छा खेलते हैं, उसमें सर्टिफिकेट हासिल किया है, कई लोग मोटिवेशनल स्पीकर का भी काम करते हैं और वो उन्हें अच्छा लगता है, कई लोग यूट्यूब चैनल बना के जो अपना जीवन का ज्ञान बताते हैं ताकि दूसरे लोग को हेल्प हो जाए, वो भी एक तरह का उनका दूसरा रूप है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप किसी फील्ड में सक्सेस होने की सोच रहे हैं तो उस पर फोकस तो रखिए, लेकिन दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में,
कुछ अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। अच्छी आदत आपकी जॉब से हटके हो सकती है, आपके प्रोफेशन से हटके हो सकती है, और ये जो आदतें होती है छोटी छोटी अच्छी अच्छी, ये आपको ऊर्जा देती है जिससे आप अपने फोकस वाले एरिए पे और अच्छा फोकस कर पाए। इस वीडियो का मकसद ये है कि दोस्तों आप आधा धुंध किसी एक फील्ड में अगर फोकस करते हैं बहुत अच्छी बात है, दिन रात सोचते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके जो माइंड को ऊर्जा चाहिए जब आप उस पर फोकस करते हैं तो ऊर्जा वहां खत्म होती है, क्योंकि उस फील्ड में आपकी ऊर्जा खत्म हो रही है। आपको वो ऊर्जा बढ़ानी है तो वो योगा करिए, योगा कर सकते हैं, म्यूजिक सुनिए, ठीक है, अच्छी तरह सुनिए, पूरा डूब के डांस कीजिए, कहीं घूमने फिरने जाइए, कोई ना कोई अलग सी हैबिट होनी चाहिए, या बुक पढ़ सकते हैं, बुक के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना, कहीं भी खर्चा नहीं करना, 100-150 रुपए में अच्छी बुक्स आ जाती है, और बुक्स करीब आप धीरे धीरे करके पढ़िए, एक साथ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, सिलेबस नहीं है इसको खत्म नहीं करना, जब टाइम मिले जब दिमाग अशांत हो तब आप पढ़िए, तो इससे बहुत ऊर्जा मिलती है, और हम जिस फील्ड में फोकस कर रहे हैं वहां के लिए बहुत सारे आइडिया भी मिलते हैं। आप ये करके देखिए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कुछ भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई हॉबी पालिए, और बुक जो है काफी अच्छी होती है, अच्छे अच्छे लेखकों की बुक पढ़िए, जो कि बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ते हैं, उनके द्वारा उसके बारे में बातें बताई गई है कि बहुत अच्छी है, ठीक है, रिव्यू, तो आपको एक फायदा मिलेगा और अपनी लाइन में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, जॉब के बाद टाइम ही नहीं मिलता खुद के लिए, खुद की ग्रूमिंग के लिए, खुद की ड्रेस खरीदने के लिए, अच्छा दिखने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, तो हम ये सब चीज क्या करेंगे। टाइम बहुत मिलता है, मैंने अपनी वीडियो में खूब बताया है कि सुबह 8 बजे से, मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, 8 बजे से लेके आप 7 बजे तक जॉब कर सकते हैं, 9 बजे तक कर सकते हैं, ठीक है, यही कर सकते हैं, उसके बाद आपके पास 12 घंटे बचते हैं। अब 12 से 13 घंटे में 6 घंटे, वैज्ञानिक कहते हैं कि 6 घंटे की नींद पूरी होती है, मैं कहता हूं 8 घंटे की नींद पूरी होती है, अब भी 4 घंटे बच रहे हैं, 4 घंटे में से 2 घंटे सुबह शाम निकाल दीजिए अपने लिए, मतलब दैनिक काम में अभी भी 2 घंटे बच रहे हैं, और आपको 15 से 20 मिनट बुक पढ़नी है या कहीं घूमने जाना है, और घूमने का मतलब ये नहीं होता हिल स्टेशन, अपने आसपास कोई भी अच्छे मॉल में जाइए, बहुत अच्छा लगेगा, वहां घूमेंगे भी और अपने जॉब से प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों से मिलेंगे भी और देखेंगे भी, देख के भी सीखेंगे, तो बहुत मतलब कुछ पाने के लिए ना केवल उसी चीज पर फोकस करेंगे तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी, आइडिया नहीं आएगा, आपको अपने ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा, या कुछ ऐसी चीजें जिसमें और ज्यादा इंटरेस्ट आता है वो भी साइड में कर सकते हैं, उससे वहां से जो ऊर्जा मिलेगी तो आप अपनी फील्ड के मास्टर हो जाओगे।